वेलकम टू डेली करंट अफेयर is 12th ऑफ september 2022 the first द फर्स्ट क्वेश्चन इज been ascended टू द थ्रोन ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम का नया राजा किसको बना दिया गया है दैट इज किंग चार्ल्स 3 ठीक है जो किंग चार्ल्स थ्री है उनको नया राजा बना दिया गया है ऑफ यूनाइटेड किंगडम ठीक है क्वीन एलिजाबेथ थी सेकंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उनकी डेथ होगी उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं उसका नाम है चार्ल्स थ्री उनको किंग बना दिया गया है राजा बना दिया गया है कहाँ का यूनाइटेड किंगडम का हीज रेन स्टार्ट राइट अवे ठीक है थ्रू द फॉर्मल कोऑर्डिनेशन विल प्रोबेबली टेक प्लेस इन 2023 ठीक है लाइज लाइक एलिजाबेथ चार्ल्स इज द किंग ऑफ द यूके एज वेल एज 14 अदर कंट्रीज़ ठीक है तो टोटल जो है हमारे पास कॉमनवेल्थ जो ओरिजिनल कॉमनवेल्थ है जिसके अभी भी हेड कौन होते हैं यूनाइटेड किंगडम का जो राजा होता है वही उन कंट्रीज़ के हेड होते हैं तो ऐसी पंद्रह कंट्रीज़ हैं ठीक है यूनाइटेड किंगडम और चौदह अदर्स लाइक इंक्लूडिंग कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ठीक है कुछ एक एशिया पैसिफिक में कंट्रीज़ हैं कुछ कैरेबियन में कंट्रीज हैं तो सारे के सारे का राजा कौन है मेन जो टॉप हेड कौन है वो है किंग जॉर्ज सॉरी किंग चार्ल्स थ्री Now there are currently currently 4.5 billion Queen Elizabeth two faced pound ठीक है अभी क्या है जितनी भी वहाँ पे करेंसी चलती है ना पाउंड करेंसी चलती है उसमें क्या है उसमें जो फोटो है वो लगी है क्वीन एलिजाबेथ टू की बट अब क्या हो गया उनकी डेथ होगी अब राजा कौन है राजा है किंग चार्ल्स थ्री अब जो ये सारे के सारे नोट्स से ये रिप्लेस हो गए ठीक है सारे के सारे नोट्स रिप्लेस होंगे ठीक है तो वहाँ पर जो फोटो आएगी अब आएगी किंग चार्ल्स थ्री की फोटो ठीक है फॉलोइंग द डेथ ऑफ द मोनार्क न्यू बैंक नोट्स एंड क्वाइंट बीरिंग द इमेज ऑफ मोनार न्यू मोनार्क दैट इज किंग चार्ल्स थ्री की वहाँ पे क्या होगी फोटो होगी जो पुराने नोट्स हैं उनको उनको धीरे धीरे बैंक जो वहाँ का नेशनल बैंक है उसको वो क्या करेगा सारे नोट्स को लेगा और उसको ख़त्म कर लेगा और नए नोट्स जारी करेगा जिसमें किंग चार्ल्स थ्री की फ़ोटो होगी और जितने भी फ्लैग्स हैं ठीक है यूनाइटेड किंगडम में जितने भी हमारे पास फ्लै, फ्लैग हैं चाहे वो आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो या फिर उनका अपना फ्लैग तो उसमें क्या होगा उसमें लिखा होता है ई आई आई आर मतलब कि विच स्टैंड फॉर एलिजाबेथ टू रेन ठीक है तो वो भी चेंज होगा अब किसका रेन आएगा दैट इज किंग्स चार्ल्स थ्री का रेन आएगा तो इतने सारे चेंजेस बहुत सारे और भी और बहुत सारे चेंजेस हैं वो इनको करने पड़ेंगे सो विच बिजनेस पर्सन वॉज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज़ लिस्ट ऑफ़ इंडियाज रिचेस्ट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी किसमें फोब्स की एक लिस्ट आई थी जिसमें गौतम अड्डानी को तीसरा नंबर मिला था ठीक है तो इंडिया के सबसे जो अमीर आदमी है दैट इज़ गौतम अडानी ठीक है आंसर इज सी अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून इंडिया लिस्ट इंडिया रिचेस्ट फॉर 2022 गौतम अडानी वाज वॉज रैंक्ड फर्स्ट विद दैल्थ इनकी वेल्थ कितनी है टेन पॉइंट टू नाइन ट्रिलियन इंडियन रुपीस ठीक है द वेल्थ ऑफ एक सौ बयालीस हमारे पास जो इंडिया में है ठीक है उनकी जो टोटल जो वर्थ है वो है आठ बिलियन यूएस डॉलर्स की दैट इज़ 66.36 ट्रिलियन रुपीस सो so, एशिया के भी सबसे रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी ठीक है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका तीसरा नंबर है इन्होंने तीसरे नंबर पे थे जेफ बेजोस ठीक है वो जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं उनको उनके रिप्लेस कर दिया है अब कौन है दैट इज़ आ, गौतम अडानी थर्ड है वर्ल्ड के थर्ड है एशिया के फर्स्ट है और इंडिया के भी फर्स्ट रैंक सबसे अमीर आदमी है वो लॉन्च ए यूएसटी वन पॉइंट फाइव बिलियन कैंपेन टू इंक्लूड ए वैक्सीन फॉर वेज डिजीज एक्रॉस अफ्रीका बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडकोर्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में उन्होंने वन पॉइंट फाइव बिलियन यू एस डॉलर का क्या किया है एक पैकेज अनाउंस किया है फॉर वैक्सीन Uh, कौन सी डिज़ीज से निपटने के लिए दैट इज़ बैक्टीरियल मैनिगटिक्स ठीक है जो ये ये वाली बीमारी होती है ये दिमाग वाली बीमारी होती है ब्रेन के ऊपर होती है इसको बोलते हैं टीरियल मैनीगिटीज़ ठीक है बैक्टीरियल मैनीगिटीज़ इसका नाम है ठीक है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कितना 1.5 बिलियन डॉलर का कैंपेन किसके लिए अफ्रीका के लिए ठीक है ओनली फॉर अफ्रीका दो तक तो है ये जो बीमारी है बैक्टीरियल मैनीगिटीज़ इसको रिमूव करना है इस जो ये बैक्टीरियल मैनीटीज़ होती है ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है कहाँ पे मेम्ब्रेन्स में जो ह्यूमन बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें ये इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है ये डैमेज करता है ठीक है तो इससे बचने के लिए इसके लिए एक वैक्सीन तैयार करने के लिए कहाँ पर अफ्रीका के लिए दो तक ये रिमूव करना है ठीक है बाय सो उन्हें डब्ल्यू एच ओ ने क्या लॉन्च किया? किया है एक पैकेज लॉन्च किया है वन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर्स का नाउ डैश डैश एंड डैश डैश कंडक्टेड ए ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब एंड द बॉर्डर ऑफ हरियाणा ठीक है किस, -किस ने ये लॉन्च किया किस किस ने ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है लॉन्च किया है दैट इज इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी आई डी पी पी पंजाब पुलिस इंडियन एयरफोर्स सी बी आई और इंडियन एयरफोर्स सो आंसर इज ए दैट इज़ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कलेक्टिवली ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किया इसका नाम है गगन स्ट्राइक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना रेन वाटर हारवेस्टिंग स्कीम नेम्ड छाता इज लॉन्च बाई विस्टेट दैट इज उड़ीसा तो उड़ीसा ने एक रेन वाटर को हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जैसे हमारे पास रेन वाटर आता है तो रेश का पानी होता है ठीक है उसको क्या करना होता है हार्वेस्ट करना होता है मतलब कि हार्वेस्टिंग करनी होती है उसको उसको इकट्ठा करना होता है बाद में उसको हम कहीं पर भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो ये छाता नाम की स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की ठीक है कितने साल के लिए पाँच साल के लिए ये? चलेगी उड़ीसा की कैपिटल उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक उड़ीसा गवर्नर गणेशी लाल पैरादीप पर, पोर्ट एक पैरादीप पोर्ट हमारे पास इंडिया का मेजर पोर्ट है दैट इज इन ओडिशा फेस्टिवल ऑफ ओडिशा ये हम डेली पढ़ते हैं रजपो धानु यात्रा एंड खाई। एरोन फिंच रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ओडियाई ओडीआई क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री वनडे इंटरनेशनल से इन्होंने क्या ले लिया संन्यास ले लिया है ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया ही वॉज द कैप्टन ऑफ ही इज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ टी ट्वेंटी टीम टी ट्वेंटी इंटरनेशनल टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ठीक है आंसर इज ए फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले थाउजेंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज दैट इज़ इंडिया और वो uh, हजारवा मैच किसके साथ था वेस्ट इंडीज के साथ एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू श्रीलंका में हो रहा है बट वो वहाँ पे क्राइसिस होने की वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया UAE, UAE, Colombo, Now, in, तो कहां कहां है यू आईसीसी का हेड क्वार्टर दैट इज़ यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड क्वार्टर दैट इज़ कोलंबो श्रीलंका नाउ अमित शाह अनवील्ड लॉर्ड हनुमान स्टैचू इन दैट इज़ सोमनाथ तो आज कल अमित शाह जी कहाँ पे कहाँ के दौरे पे हैं गुजरात के दौरे पे हैं ठीक है वहाँ पे उन्होंने सोमनाथ की एक जगह है वहाँ पे इन्होंने लॉर्ड हनुमान का स्टैचू जो है वो अनवील किया है ठीक है ये 16 फीट का स्टैचू है ठीक है एंड uh, दो सौ जो शॉप्स हैं वहाँ पे थी उनको भी इनागोरेट किया है और उनका नाम दिया है मारुति हाट मारुति हाट ठीक है और ये कहाँ पे अरेबिन सी के पास है वहाँ का टाउन वहाँ का नाम है सोमनाथ तो so, सोमनाथ में इन्होंने ये किया, किया है दो शॉप्स का इैगोरेशन किया है और साथ में सोलह फीट आ, हनुमान के स्टैचू का इनागुरेशन भी किया है अब अट, आ, कुछ गुजरात से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं लाइक अटल ब्रिज साबरमती रिवर में बना था अहमदाबाद गुजरात गारबा डां गरबा डांस नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू ऐड इट इन टू द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट अभी तक ये ऐड नहीं हुआ है इंडिया ने अपनी तरफ से ये नॉमिनेट किया है ठीक है उस तरह से ऊर्जा प्रवाह इज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ऑगजिलरी बैग्स बैरेज हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड एट भरूच गुजरात में इसको क्या कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है दैट इज ऊर्जा प्रवाह वर्ल्ड फर्स्ट डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज जामनगर गुजरात सो फर्स्ट मून शेप्ट लग्जरी रिजॉर्ट इज गोइंग टू ओपन इन कहाँ पे हो सकता है दैट इज़ दुबई सो यू ऐसे कारनामे करता है कि फर्स्ट मून शेप्ड मतलब कि एक रेजॉर्ट बनेगा वो पूरा का पूरा जिस तरह से हमारे पास चाँद दिखता है उसकी शेप का एक लग्जरी रेजॉर्ट बनाएगा ठीक है वो कितना होगा वो 735 फीट की हाइट का होगा एंड 48 मंथ के अंदर ये इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है तो ये अल्ट्रा लग्जेरियस होटल होगा विच विल बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ लूनर सरफेस मतलब कि मून की तरह चांद की तरह ये पूरा का पूरा होगा उसके इसमें जो कलर्स वगैरह होंगे बाहर से वो सारे के सारे चांद की तरह होंगे तो अब कुछ न्यूज़ है लाइक यूएई से रिलेटेड नौरा अल uh, मात्रोशी नौरा अल मात्रोशी ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है यू की द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद इसराइल दैट इज यू फर्स्ट अरब नेशन टू स्टार्ट मार्स मिशन दैट इज यू एब्राहम अकॉर्ड किस किस के बीच में यू और इसराइल के बीच और वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट दैट इज यू सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू